Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार आदाब, मैं काशिफ अली एसपीएनआई न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 में होने हैं। जाहिर सी बात है कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो राजनीति तेज हो जाती है। वहां किस तरीके की राजनीति होनी है वो डिपेंड करता है कि राज्य किस तरह का है, वो राज्य में किसकी सरकार है। पहले ये काफी चीजें मायने रखती हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि गुजरात के चुनाव में जो राजनीति हुई और जो उसके बाद जो राजनीति देखने को मिली हिमाचल के चुनाव में, वो वाकई में बेहद चौंकाने वाली थी कि आखिर जिस तरीके की राजनीति जो देश में चल रही है, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से भगवाकरण हो रहा है, ये आखिर देश में कहाँ तक ये पहुँचेगा। अब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर। अब ऐसे में देखना और बेहतर हो जाता है कि अब वहाँ पर बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस को वहाँ से हटाएगी। पहले मैं आपको 2013 का थोड़ा सा आंकड़ा दिखाना चाहूँगा कि 2013 में कांग्रेस का कैसे प्रदर्शन रहा था और बीजेपी का क्या प्रदर्शन रहा था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2013 में कांग्रेस ने 122 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीती थी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। और मैं अगर बात करूं वहां पर जनता दल सेकुलर जनता दल ने वहां पर 40 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी ने एक सीट जीती थी, सर्वोदय कर्नाटका पक्ष ने एक सीट जीती थी और वहीं कर्नाटका जनता पक्ष के एलपी ने 6 सीटें जीती थी और बदवारा शर्मिकरा रायकटरा कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। यानी वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी का जो प्रदर्शन था वो बेहतर था। 122 सीटों के बाद कर्नाटक में सरकार बन गई थी। ये ज्यादातर अगर हम देखें तो वहाँ की जो राजनीति है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ अगर हम बात करें कर्नाटक की, थोड़ा सा लिटरेसी रेट बढ़ा हुआ है, वहाँ के लोग हम कह सकते हैं कि अपने हकों को लेकर ज़्यादा अवेयर रहते हैं, जिस तरीके से उन्हें पता है कि आवाज़ कब और कैसे उठाई जाती है। कांग्रेस का 122 सीटें जीतना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि कांग्रेस को क्या कर्नाटक के लोग चाहते हैं, क्या बीजेपी को कर्नाटक के लोग पसंद नहीं करते हैं। आखिर बीजेपी को लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं कर्नाटक के लोग, क्योंकि 2013 में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा तो ये तो वाकई में बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर कर्नाटक को के लोग बीजेपी को पसंद क्यों नहीं करते हैं, क्या बीजेपी की जो धर्म को लेकर जो राजनीति होती है क्या इस वजह से कर्नाटक के लोग पसंद नहीं करते हैं या फिर कोई इसके पीछे और वजह है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक खबर से रूबरू कराने जा रहा हूँ, शायद आपकी तस्वीर थोड़ी सी साफ हो जाए कि आखिर कर्नाटक के लोग, कर्नाटका के लोग क्यों पसंद नहीं करते बीजेपी को, क्या वो ध्रुवीकरण की जो राजनीति बीजेपी करती है क्या इस वजह से पसंद नहीं करते या इसके पीछे भी और कोई वजह है। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो अभी कुछ दिनों से वहाँ खबरें आ रही हैं कि कर्नाटक, हालांकि वहाँ पर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा जो होती है वो नहीं होती है, लेकिन अमूमन अब कर्नाटका जो है वो झुलसने लगा है इस नफरत की आग में। आखिर इस नफरत की आग में कौन झुलसा रहा है, क्या ये आने वाली राजनीति जो हो रही है, आने वाले जो चुनाव हैं उसकी सुबुगाहट है, क्या कर्नाटका में जिस तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है क्या वो एक गंदी राजनीति का हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत है, या अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। खबर है कि पिछले कुछ हफ्तों में घटनाएं हुई, कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई, ये आशंका पैदा हो रही है कि क्या कर्नाटक में अगले साल चुनाव से पहले नफरत की आग फैलाई जा रही है। जाहिर सी बात है कि जब कोई
प्रदेश में कोई नफरत की बात होगी, जब इस तरीके की घटनाएं होंगी तो सीधा सीधा लोग उसका चुनावों से जोड़ देंगे। साल 2013 में लोकसभा चुनाव में पहले ऐसे भी कुछ माहौल था, वहां जब 2013 में जब हुआ था वहां ऐसे ही माहौल तैयार हुआ था। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर में नफरत की आग फैली थी, वहां एक दूसरे के पीछे काफ़ी जाने गई थी, करीब 62 से ज़्यादा लोगों की वहां हम कह सकते हैं जान गई थी उत्तर प्रदेश की, जब चुनाव आने वाले थे। बहरहाल कर्नाटक में सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू नेता HD कुमारस्वामी की तरह कुछ राजनेता मुजफ्फरनगर दंगों से जोड़ रहे हैं और चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जदयू नेता हैं HD कुमारस्वामी, उन्होंने कहा है कि कर्नाटक को नफरत की आग में धकेला जा रहा है चुनावों की वजह से। कुमारस्वामी जी उसको जो है वो मुजफ्फरनगर दंगों से जोड़कर कह रहे हैं कि यहाँ कोई ना कोई साजिश रची जा रही है। कुमार स्वामी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले लगभग हर दिन सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की स्थिति बनी रही थी, लोकसभा चुनाव के बाद अचानक ये सब शांत हो गया। ये कहना है कुमार स्वामी जी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाले थे तो मुजफ्फरनगर में एक बड़ा एक हम कह सकते हैं मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, फिर उसके बाद जब चुनाव हो गए तो नफरत की आग ठंडी हो गई, और कुछ इस तरीके का ही एक्सपेरिमेंट कर्नाटका में किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2-3 महीनों में, उनका कहना है कुमार स्वामी का, पिछले 2-3 महीनों में हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में छोटे छोटे झगड़ों को तूल दिया जा रहा है। यहाँ अभी हालात मुजफ्फरनगर जैसे नहीं है, लेकिन चिंता की बात जरूरी है। छोटा सा मामला बताया उन्होंने कि कैसे सड़क हादसे के वक्त उसको तूल दे दिया गया। उन्होंने कहा कि हाल ही में सीमावर्ती जिले उत्तर कन्नड़ में हुई इस घटना के बाद कही है जो हिंसा और आगजनी का कारण बनी थी। इस घटना में होनवार में एक मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा की टक्कर हो गई थी, फिर वो सड़क हादसा एक धर्म विशेष और एक दूसरे के बीच टकराव का कारण बन गया था। अगले दिन 19 साल के परेश मेहता के माता पिता ने पुलिस में उसके खोने की शिकायत दर्ज करवाई। एक दिन बाद पुलिस को परेश की एक जो है पानी के टैंक में उसकी लाश मिलती है। BJP की नेता हैं शोभा करंदलाजे ने एक मछुआरे की लाश कैसे एक टैंक में गई पाई जा सकती है जबकि शहर में निषेधाज्ञा आदेश है। BJP कर्नाटक में मुख्यमंत्री दल है और यहाँ कांग्रेस की सरकार है। यानी कुल मिला के जो तस्वीर निकलकर वो ये आ रही है कि एक छोटे से मामले को एक नफरत की आग में झोंकने की कोशिश हुई, यानी अब कर्नाटका में माहौल बदला जाएगा। यानी अब कर्नाटक के लोग हालांकि बहुत समझदार हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ बेंगलोर जैसा शहर है तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर IT हब हो और जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि लगातार जो है वो एक रोज़गार पैदा करने वाला राज्य है और एक ज़बरदस्त तरीके का वहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपने बड़ा राज्य है, ऐसे में अगर इस तरीके की राजनीति ऐसे राज्यों में होगी तो आखिर दुनिया को क्या संदेश जाएगा। आज बात मोहब्बत की होनी चाहिए, बात हम कह सकते हैं शांति की होनी चाहिए, सुकून की होनी चाहिए, लेकिन ये कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने चुनावी हथकंडे अपनाते हैं, चुनाव में जीत के हथकंडे अपनाने के लिए वो किसी हद तक गुजर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, मैंने आपको एक मामला बताया, हालांकि अधिकारी लोगों का कहना है इस पे पुलिस अधिकारियों का कि निषेधाज्ञा के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई और होनवार में हालात को नियंत्रित करते हैं तो पड़ोस के कुमता में परेशानी पैदा करते हैं जबकि सब एक बार सब कुछ नियंत्रण में है तो BJP सिरसी में विरोध करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो लगातार जो है वो छोटे से मामले को BJP ने वहाँ तूल देने की कोशिश की, तो इससे यही जाहिर होता है कि वो शांत में अशांति फैलाना चाहती है और यही वजह है कि शायद BJP को कर्नाटका के लोगों ने 2013 में नकार दिया था। 122 सीटें कांग्रेस को जीती थी, हालांकि कांग्रेस भी अपनी जब राजनीति करने में आती है तो वो किसी भी हद तक गुजर जाती है, लेकिन अब जिस तरीके से छोटे छोटे मामलों को बड़ा तूल दिया जा रहा है तो इस पर कर्नाटका के लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है कि नफरत की आग को बढ़ावा ना मिले और अमन की और शांति की बात होती रहे, क्योंकि
किसी भी राज्य में अगर शांति नहीं रहेगी तो देश की तरक्की में बाधा आ जाएगी। जाहिर सी बात है कि हम लोग इस देश में रहते हैं, संविधान के प्रति हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और हम इसके कानूनों का पालन करते हैं। अब अगर कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि इस ऐसे देश में माहौल तैयार ना करें कि जिससे कि लोगों के दिलों में नफरतें पैदा हों। अपनी कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको आग में ना झोंका जाए। बहरहाल अब कर्नाटका की जनता को तय करना है कि 2018 में वो किस तरीके की सरकार चाहती है। हालांकि विकास कर्नाटका में हो रहा है लेकिन उस रफ्तार से नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। तो सवालों के घेरे में कांग्रेस भी है और सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी भी है। सवाल का जवाब जनता को देना पड़ेगा दोनों पार्टियों को, एक विपक्षी दल में है और एक सत्ता में है। बहरहाल कर्नाटक की जनता को ही आखिरी फैसला होगा कि वो क्या चाहती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मैं फिर हाजिर रहूंगा एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SBI News। नमस्कार।